हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस। तो प्लीज़ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, विद इन अ मिनट अपडेट के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये है आपका जो सीबीआईसी डिपार्टमेंट है आपका, उसमें अमेंडमेंट इन रिक्रूटमेंट रूल, उसके रिगार्डिंग ये एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस पर आपके जो सुझाव हैं वो मांगे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, इन द व्यू ऑफ द अबव इट इज़ रिक्वेस्टेड ऑल द कंसर्न्ड हु आर वर्किंग अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टमर और एनी वे एसोसिएटेड विद द A4S ड्राफ्ट रूल्स में काइंडली फर्निश देयर कमेंट ओपिनियन सजेशन। 30 दिन के अंदर वो मांग रखे हैं। अब इसमें है क्या, ये देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो दो चीज़ें हैं, जो आपका इंस्पेक्टर है ठीक है, उसके शेड्यूल में सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड एग्जामिनर। तो यहाँ पे एक तो साइकिलिंग के जो एंट्री है वो रिमूव कर दी है, जो साइकिलिंग होती थी आपकी। और दूसरा जो है आपका जो है, मतलब यहाँ पे देखिए, इन द कॉलम 10 फॉर द एंट्री फॉलोइंग एंट्री शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली 10% बाय प्रमोशन। मतलब प्रमोशन का अभी क्या होगा, 10% होगा, मतलब अभी 10% प्रमोशन हुआ करेंगे आपकी। तो यानी कि आपकी जो इंटरनली आपकी जो प्रमोशंस हैं वो अब ज़्यादा होंगी, और 10% बाय लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और 10% आपका जो होगा वो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा ठीक है। और ये जो आपका LDCE है, ये ऑफिसर्स की इन फॉलोइंग कैटेगरी के लिए होगा, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और ठीक है, जिसमें मतलब आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अगर आप हो इन द लेवल 6 इन द पे मैट्रिक्स दिस विद 2.5 साल की जिसकी रेगुलर सर्विसेज हो, तो उनका 10% आगे वो इसमें जाएंगे, LDCE के थ्रू जाएंगे वो। देखिए 80% उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट रखा है, यानी कि अभी आपका इम्पैक्ट इससे ये पड़ेगा कि जो आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती हैं, डायरेक्ट वैकेंसी निकलती हैं वो कम होंगी, 10% कम हो जाएंगी, और 10% आपका इंटरनली होगा, और उसमें 10% LDCE से होगा। कौन कौन है इसमें, एक तो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो गया 2.5 साल का ये एक्सपीरियंस, और दूसरा है आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जिसमें 7.5 साल की कंबाइंड रेगुलर सर्विसेज हो इन द लेवल 6 इन द पे मैट्रिक दिस इन द लेवल 4। मतलब लेवल 4 में आपका 7.5 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस मांग रखा है, और लेवल 6 में आपका 2.5 साल का रेगुलर सर्विस मांग रखा है। और अगर आप टैक्स असिस्टेंट हो तो टैक्स असिस्टेंट में आपका 7.5 ईयर्स रेगुलर सर्विसेज मांग रखा है, अगर 10% आपका जो होगा वो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगा, मतलब डिपार्टमेंट के थ्रू जो होगा ठीक है। कैंडिडेट अंडर LDCE मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पास सच LDCE एज मे प्रिस्क्राइब्ड बाई दी CBIC डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम विच शैल बी कॉम्पिटिटिव इन नेचर एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन दी LDCE शैल बी काउंटेड टुवर्ड्स डिटरमाइन सीनियोरिटी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, आप सब्सक्राइब कीजिए। ये अभी सुझाव हैं, देखो ये जितने भी सुझाव दिए जा रहे हैं ज़रूरी नहीं है इम्प्लीमेंट होंगे। अब बाकी आपकी इसके ऊपर क्या राय है तो प्लीज़ जल्द से जल्द मुझे बताइएगा। धन्यवाद।